तांबा पुलिस ने पशु तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन तस्करों को धर दबोचा है। इन तीनों तस्करों से 31 मवेशी बरामद कर उन्हें मुक्त करवाया गया है। पुलिस को यह सफलता मानसर इलाके में तब मिली जब ये तस्कर इन मवेशियों को तीन ट्रकों में भरकर कश्मीर घाटी की ओर ले जा रहे थे। मानसर नाके पर पुलिस ने तरूकरी की इस कोशिश पर पानी फेरते हुए इन तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रकों को भी जब्त कर लिया है। इन तीनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो ये तस्करी का मामला है और सांबा पुलिस ने यहाँ पर पशु तस्करों का जो एक गिरोह है, जो लगातार हम भी आपको बताने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि लगातार इस तरह की चीज़ें निकलकर जो है वो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं, और इसी कड़ी में सांबा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और ये एक जो गिरोह है उसका भंडाफोड़ किया है। इसमें लगभग तीन तस्करों को धर दबोचा है। इन तीन तस्करों से लगभग 31 मवेशी जो है वो बरामद किए हैं और उन्हें मुक्त करवाया गया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पुलिस को यह सफलता तब मिली मानसर इलाके में जब ये तस्कर इन मवेशियों को तीन ट्रकों में भरकर जो है वो कश्मीर की ओर, कश्मीर घाटी की ओर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर ही इन पशुओं को जो है वो आज़ाद करवाया है। और कहीं ना कहीं मानसर नाके पर पुलिस ने तरुकरी की इस कोशिश पर जो है वो पूरी तरह से पानी फेर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ गए हैं सांबा से। ऋषि, पशु तस्करी की बात हम लगातार करते हैं और ये मामले जो है कहीं ना कहीं लगातार सामने निकलकर आते ही हैं। हालांकि पुलिस जरूर इस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, पुलिस को भी लगातार सफलताएं मिल रही हैं। ये जो मामला है ये कहाँ का है और किस तरह से पुलिस ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? देखिए, आपको बता दें कि पशु तस्करी का एक बड़ा प्रयास जो है ये मानसर इलाके में विफल किया गया जिला पुलिस सांबा की तरफ से, जिसमें 31 पशुओं को जो है तस्करों के चंगुल से बचाया गया और उसमें तीन कुख्यात जो पशु तस्कर हैं वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हासिल करते हुए यहाँ पर मानसर इलाके में इस पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया है और इसमें जो तीन समुदाय विशेष के जो तस्कर हैं वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जो लगातार तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मैं इनकी पहचान भी आपको करा दूं। तारिक हुसैन सनाब बशारत अहमद रेजेंड ऑफ अनंतनाग, मोहम्मद असलम सनाब बिल्ला रेजेंड ऑफ पथियार आर एस पोर डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में, और तीसरा है मुश्ताक अहमद सनाब बाबू अहमद रेजेंड ऑफ चनैनी उधमपुर के रूप में। इन तीन कुख्यात तस्करों की पहचान हुई है। वही पुलिस ने 188 आईपीसी धारा के तहत मामला तो दर्ज कर लिया है। लगातार इनसे इन्वेस्टिगेशन जो पूछताछ की जा रही है, ठीक है, किन इलाकों से जो पशुओं को लाया गया और कश्मीर के किस हिस्से में इन पशुओं को पहुंचाने का ये जो काम है ये कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस इसमें अहम कामयाबी तो हासिल कर रही है, लगातार इनपुट को हासिल करके काम कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीन से चार महीने ऐसे रहते हैं जनवरी तक के, जब ये तस्करी के प्रयास जो वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और लगातार पुलिस इसके ऊपर काम भी कर रही है, एक बार फिर से सवाल यही उठता है कि जो लखनपुर हमारा प्रवेश द्वार है वहां पर अगर हर एसेंशियल सप्लाई वाली गाड़ी की गहनता से जांच की जाती है तो फिर कहीं ना कहीं तस्करी के प्रयास जो वो बंद होंगे, पता चल जाएगा कि किस गाड़ी में क्या सप्लाई जा रही है। तो ये एसेंशियल सप्लाई की आड़ में या बड़ी गाड़ी में या छोटी गाड़ियों में जो पशुओं को लोड कर कश्मीर घाटी की ओर जाने की कोशिश ये तस्कर करते हैं, इसमें ये कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं और कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें अक्सर देखा कि जो समुदाय विशेष के कुछ ऐसे शरारती तत्व है, ये गाड़ियां बड़ी लेकर जो अपने डेरों तक पहुंचते हैं वहां से छोटी गाड़ियों में लोड कर ये फिर आगे कश्मीर घाटी जाते हैं, इनका अलग अलग मॉडल ऑपरेंट रहता है। इसके ऊपर भी पुलिस लगातार वर्किंग कर रही है और एक अहम रणनीति बनाकर जो वो काम कर रही है और लगता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई सख्त कानून जो बनाया जाएगा और तस्करी जो वो पूरी तरह से बैन हो जाएगी या बंद हो जाएगी। इसको लेकर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा काम करने की अभी जरूरत जो है। बिल्कुल ऋषि, मैं इसी पे सवाल भी आपसे करने वाला था, पहले भी हमने बड़ी बार ये बातचीत की है कि आखिर इस पे कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्यों कुछ समय के बाद ही इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती है? कड़ा कानून बनेगा तो हो सकता है इन चीजों पर जो है वो संपूर्ण रूप से विराम लग पाए। देखिए बिल्कुल, अगर ये लगातार इस तरह का प्रयास जो वो सामने आ रहे हैं, पुलिस भी इसके ऊपर लगातार काम कर रही है कि हिंदू सेंटीमेंट्स भी इसमें हर्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकारों को या प्रशासन को या फिर पुलिस प्रशासन को या कानून के जो दायरे में आने वाले लोग हैं वो लगातार अगर इसके ऊपर कोई संज्ञान लेते हैं या इसको लेकर कोई सख्त कानून बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तस्करी जो पूरी तरह से बंद हो जाएगी, इसको लेकर कोई जो वो शक की बात नहीं है। लेकिन काम करने की जरूरत है, यानी इसको लेकर संशोधन या प्रावधान लाने की काफी ज्यादा
जरूरत है ताकि सख्त कानून हो और इस तरह की वारदातें ना देखने को मिले। बिल्कुल ऋषि, ये जो तीन लोग अभी पकड़े हुए हैं, क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या कोई ऐसे? देखिए, ये लगातार एक नेक्सस इसमें काम कर रहा है और पुलिस इस नेक्सस का भांडा भी फोड़ कर रही है, इस नेक्सस को बस्ट कर रही है और आए दिन लगातार इस तरह के जो शरारती तत्व ये पकड़े जाते हैं। ये आपने देखा कि कभी एक पकड़ा जाता है, कभी तीन चार गाड़ियां जो वो लगातार इकट्ठी आती है या उसमें से तीन चार तस्करों को पकड़ा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। ये नेक्सस यहाँ से ऑपरेट नहीं किया जा रहा बल्कि ये देश के अन्य हिस्सों से ऑपरेट किया जा रहा है, जो यहाँ तक जो है वो गाड़ियां भेजते हैं। इनकी सेटिंग जो वो कश्मीर के कुछ ऐसे लोगों से हुई है जहाँ ये गाड़ियां रिसीव होती हैं, डिलीवर होती हैं गाड़ियां। तो ये तमाम एक नेक्सस है जिसको लेकर पुलिस काम कर रही है और इनके जो तमाम गिरोह तक पहुंचने की पूरी कोशिश जो पुलिस अपनी तरफ से लगातार कर रही है। ठीक है, बिल्कुल, देखना होगा आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी के लिए। और ये पशु तस्करी का मामला जो है ये सांबा से सामने आया है, जहां पर 31 जो पशु हैं, मवेशी हैं, उनको फिलहाल पुलिस ने यहां पर बरामद कर उन्हें आजाद छोड़ा है। हालांकि जरूर आने वाले समय में ये बात की जा रही है कि इस पर कोई कड़ा कानून बनेगा, जिससे आने वाले समय में पशु तस्करी की जो घटना है वो कहीं ना कहीं उन पर विराम लग सके।